वेलकम बैक। नासिन, बलोचिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान का खदशा पैदा हो गया। ऑल बलोचिस्तान ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन के मुतालबात के हक में जारी हड़ताल के बायस दूसरे रोज भी सूबे भर को पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई बंद रही। क्वेटा से देखते हैं किफायत अली की रिपोर्ट। क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान का खदशा पैदा होने लगा है। आल बलूचिस्तान ऑयल टैंकर्स ऑनर एसोसिएशन की जानिब से बलूचिस्तान के रूट्स पर किरायों में इजाफे, मुख्तलिफ मकामात पर ड्राइवर्स को रोकने के खिलाफ समेत दीगर मुतालबात के हक में एहतजाज कर रखा है। 2010 में हमारे तमाम तर पूरे पाकिस्तान के किराए बढ़ाए गए, लेकिन हमारे तीन जो एरियाज है, हमारे जो पसमानदा सूबा है, हमारे बलूचिस्तान, सेंदक और शिकारपुर का बढ़ाया नहीं गया। उसके वजह से अभी 5000 गाड़ियां सरापा एहतजाज है। 48 घंटे का हम टाइम दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को इंशाल्लाह ब्लॉक करके हम अपने जो है ना एहतजाज वो करेंगे। और इससे मैं वजीर आजम पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करता हूँ कि खुदा रा सो मोटो एक्शन लेके इन माफियाज का खात्मा किया जाए। हम लोगों को जो किराया है, जो शिकारपुर के जो कराची के किराया हम लोग को नहीं बढ़ा है, हम लोगों की इस किराए में वो आराम नहीं करता। जब तक किराया नहीं बढ़ेगा हम लोग हड़ताल नहीं तोड़, हम गाड़ी का मालिक है, जब हमारे को बचत नहीं है तो हम हड़ताल नहीं तोड़ दिएगा। ऑयल टैंकर्स ऑनर एसोसिएशन के मुताबिक जब तक मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन जमील अहमद के साथ किफायत अली, 92 न्यूज़, क्वेटा।